जे उन्हां नूं लग रहा है भी जस्सी साडे खिलाफ है तो उन्हां दे डोप टेस्ट करा लो। तुहानू हक है कवर बना के उत्थे तुसी नाच करो जो मर्जी करो। हुण गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दी मनाही है ते कलाकार गा रहे ने घर दी शराब होवे। किसी की कुड़ी दे लक मिणी जांदा है, को भार तोली जांदा है, को दा रूप दसी जांदा है। कुछ बशर्मो, तुहाडे घर कोई धी भैण पत्नी माँ है कि नहीं है? अपने अपने ही मुंडे सरदारां दे मुंडे उत्थे जा के सिगरटा पी रहे ने। जलंधर च मौजूद हाँ भाई साहब भाई बलदेव सिंह वडाला साढ़े नाल ने और एक नवा आगाज़ होने जा रहा है, पंथ नूं बचाउण वास्ते एक आगाज़ होने जा रहा है और वह आगाज़ कदों होवेगा, शुरुआत कदों होवेगी, ये पूरा मोर्चा की है जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब साढ़े नाल मौजूद ने, भाई साहब बहुत स्वागत है जलंधर अज मौजूद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हाल ही दे विच एक गायक ने जसवीर जस्सी, उन्होंने एक इहो जी गल कहती जिस तों बाद विवाद छिड़िया होया। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी दरगाह के उत्ते किसी भी कबर पर जाके गाने नहीं गाँदा, मैं नचदा नहीं उत्थे, पर सीधा निशाना कितने कितने इहो जे डेरियां दे उत्ते कर दिता जो अजकल प्रचलित ने। थोड़ा की कहना, क्योंकि एक पासे कहिंदे ने कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं मानदा, मैं होर किसी नूं नहीं मानदा। देखो मैं बहुते ना तां गायकां नूं सुणिया, ना मैं उन्हां च कदे बैठा, ना मैं उन्हां नूं जानदा। तुहाडे मुताबक जिहड़े ये जस्सी वीर कोई है जिन्हां ने गल कही है, तो ये गल उन्हां ने किसी के खिलाफ नहीं कही, ये धर्म के खिलाफ नहीं लग रही, ये पखंड के खिलाफ है। तो पखंड के खिलाफ बोलना जायज़ है, नजायज़ नहीं। तो जो वो ये कह रहे हैं कि उत्थे मैं कबरां ते नहीं जाऊँगा, तो तुसी उन्हूं धक्के ना किवें ले जाओगे? वो नहीं जाना चाहुंदा, तुसी किवें ले जाओगे उसनूं? और उत्थे उहदे नाल असी सहमत हाँ, वो नहीं जाना चाहुंदा, तो तुसी किवें खड़ रहे हो? दूसरा, जे को प्रिंसीपल बनता है, जज बनता है, डॉक्टर बनता है, ज्ञानी बनता है, जथेदार बनता है, वो कवर पूज के नहीं बनता, वो ऊड़ा ऊठ ते ए फोर एप्पल पढ़ के बनता है। एक न्याणे नूं भी पता है, तो इत्थे गुमराह किया जा रहा है। फिर उदू बाद उन्हें नशे की गल जिहड़ी कही है, तो नशा किते भी देना माड़ा है, तो जे उन्हां नूं लग रहा है भी जस्सी साडे खिलाफ है तो उन्हां दे डोप टेस्ट करा लो सारयां दे, पता लग जू। तो जे उह नशेड़ी निकलना आउणगे तो उन्हां ते कारवाई कर दिओ, नहीं निकलणगे जस्सी ते कर दिओ। ये किड्डी क गल, इस गल नूं ववेला बनाउणा। जे तुहानूं हक है कवर बना के उत्थे तुसी नाच करो जो मर्जी करो, ते जेड़ा अपने घर बैठा वो नहीं जाना चाहुंदा, तुसी धक्के ना सरदारां दे पुत नूं नचारां दा पुत किवें बना लोगे? ये उहदी अपनी जमीर है, इसलिए असी उहदी तरफदारी करदे हां जी। उहने कदम चुकिया, ते जे किते सारे गाउण वालिआं ने इस गल नूं इस रमज नूं समझिया हुंदा, ते अज जो पंजाब दी नौजवानी दे हालात ने ये नहीं सी होने। कि तुसीं भी समझदे हो कि पंजाब दे नौजवानां नूं नशे च धक्कण लई सिंगर्स दा वी उन्ना ही हत्थ है जिन्ना इहनां दे डेरियां दा? उन्ना नहीं, पूरा हत्थ है जी। हुण गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दी मनाही है ते कलाकार गा रहे ने घर दी शराब होवे, ये की है? प्रमोट नशे नूं कर रहे आ। फिर वो इस तरह के गंदे गीत, किसी की कुड़ी दे लक मिणी जांदा है, को भार तोली जांदा है, को दा रूप दसी जांदा है, कुछ बशर्मो, तुहाडे घर कोई धी भैण पत्नी माँ है कि नहीं है? ये की तुसी परोस के दे रहे हो? तुसी हीर रांझे सुना सुना के एहो जिहा पट्ठा बिठाया पंजाब दी नौजवानी दा, जिहड़े पंजाब दे नौजवान बाबा जस्सा सिंह आलूवालीए, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़ीए, किधरे नवाब कपूर सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर, बाबा अजीत सिंह 14 वरियां दी उम्र च ब्राह्मण दी घरवाली छड़ा के उहदे घर छड़दा। जदों ओ साडे घर च सी ते जदों दा गाउण वालिआं ने गंद परोस के दिता है, उदों दा अपने अपनियां भजा के लिजाण लग गए। ये हालात साडी नौजवानी दे ये गाउण वालिआं ने बनाए आ, बाहरों किसी ने बनाए। कहा गया कि अज दे मुंडे कुड़ियां नूं ये नहीं पता कि जस्सा सिंह आलूवालीआ कौन सी, अपने पुरखे कौन सी, पर ये पता कि जिहड़े महंत ने, जिहड़े अपने मस्तां ने, मस्तां मस्त कौन हैगे ने, ये पता उन्हां नूं। उन्हां नूं मस्तां दा भी पता है, हीर रांझिआं दा पता है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਆ ਹੋਰ ਗੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹ ਗੰਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਵਾਨੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਹੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਹੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਥੰਮ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਬਣਦੇ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਵਰਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ 1919 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗੁਲਦਸਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਫਲਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਰਹੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ।